गाइस, जब मैं लास्ट टाइम ये सारे के सारे सूट सेलेक्ट करने गया था ना अपने पूरे के पूरे पिछले एपिसोड्स में, तो मुझे पता चला है अभी के अभी असल में हमारे डोपलगैंगर स्पाइडरमैन के पास और भी खतरनाक खतरनाक स्पाइडरमैन के सूट हैं। अब गाइस, किसी तरह से हया तो हमें उन सूट्स को चुराना होगा या फिर एडमिशन लेना होगा स्कूल में, जिससे कि हम बाकी के कमाल कमाल के स्पाइडरमैन के सूट्स को भी अपने कलेक्शन में ऐड कर पाएं। तो दोस्तों, चलो आप सभी के सपोर्ट की वजह से अब जल्दी जल्दी हम चलते हैं और स्कूल में ज्वाइन होते हैं। मैंने सुना है ये स्कूल वाला जो फंडा है कुछ और खतरनाक होने वाला है, और गाइस ये देखो नया सूट कितना ही कमाल का लग रहा है। तो दोस्तों, मुझे किसी भी तरह से सूट को लेना होगा। हे, तुम जैसे लोगों को ये सूट नहीं मिलेगा। अरे तुझे पता है पिछले बाकी के सारे सूट्स मैं लेके गया हूं। अरे बेवकूफ, तुझे तो सिर्फ एक ही सूट मिला है, स्पाइडरमैन तो चार सूट ले गया। अरे गाइस, ये तो मेरी बेइज्जती मार रहा है। प्लीज आप लोग मेरे सपोर्ट कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। इसको जरा दिखा दो तो कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हो फ्रैंकलिन को। बेशक हूं मैं गरीब सा बंदा, लेकिन मुझे प्यार बहुत करते हैं। सो गाइस, चलो अब हमारा पहला टास्क ये होने वाला है, हमें सारे के सारे स्टूडेंट को एक एक करके इस रैंप को पार करना होगा और साथ साथ में इतने खतरनाक डेविल हल्क्स को भी। और गाइस, अगर कोई भी बंदा इनसे डर के अपनी बाइक वहां पे स्लो कर लेता है या फिर कोई भी हल्क इनको पकड़ लेता है तो बहुत बुरा मरने वाला है। तो दोस्तों, हमारा पहला स्टूडेंट जा रहा है, कि आपको क्या लगता है ये सूट ले पाएगा या नहीं, ये जीत पाएगा या नहीं, अभी तो पता चल जाएगा। अरे बाप रे, ये तो निकल गया यार, क्या बात है दोस्तों, ये बंदा तो काफी स्मार्ट था। अगर ये थोड़ा सा भी टकरा जाता उन हल्क से तो वो इसका अच्छा। अरे बाप रे गाइस, ये देखो ये निकल तो गया था लेकिन बेचारा बीच में गिर गया। गाइस, हमारा दूसरा स्टूडेंट जा रहा है। अरे पता नहीं दोस्तों, वो बाकी के जो डेविल हल्क्स हैं अगर उनके चंगुल में कोई आ गया तो उसका क्या होगा। अरे बाप रे, डर गया इनसे। अरे गाइस, उसने अरे बाप रे गाइस, इस डेविल हल्क की पावर देख रहे हो, उसकी बाइक उठा के उसी पर मार दी। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक और पावरफुल है, इनके चंगुल में पड़ना तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, जितने भी बाकी के स्टूडेंट्स हैं, और बाप रे गाइस, इसने तो जान से ही मार दिया उसको। अरे यार, ये तो मौत का खेल बन गया गाइस। अरे मुझे तो डर लग रहा है अब इस तीसरे बंदे का क्या होगा। मैं जीत का दिखाएगा रे, देखना उसका हाल खराब कर देगा हल्क का। गाइस देखते हैं, ये बहुत ही ज्यादा तुर्रम खान बन रहा है। अब देखते हैं कि ये क्या सच में डेविल हल्क से पार हो पाएगा। अरे गाइस, ये पार तो हो गया था बेचारा। अरे गाइस, ब्रेक लग गई है। गाइस, वो बेचारा निकल तो गया था लेकिन रास्ते में गिर गया। दोस्तों, अब मेरी बारी है। चलो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ, पता नहीं मेरा क्या होगा। हो सके तो कमेंट में फ्रैंकलिन ओपी लिख देना, मुझे स्पाइडरमैन के सारे सूट चाहिए, असल में रियल स्पाइडरमैन से भी ज्यादा वाले अच्छे अच्छे सूट। चलो यहाँ से निकलते। ये क्या बात है गाइस, मैं निकल गया रेड हल्क के चंगुल से। अब जल्दी जल्दी जल्दी। अरे यार, ये तो काफी खतरनाक है। आराम दे। अरे बाप रे यार, अरे बाप रे, बच गया। अरे बाप रे गाइस, मेरा तो दिल बहुत तेजी से हार्ट बीट कर रहा है। अरे आराम से आराम से आराम से। अरे बाप रे गाइस, अब बस मैं नीचे पहुंचने वाला हूँ। और ये मैंने यहाँ से लगाई सीधी और ये चला। क्या बात है गाइस, मैं अभी तक बाइक से नहीं गिरा, इसका मतलब जरूर मैं जीत ही गया। मैं सक्सेसफुली पूरी तरह से नीचे पहुंच गया हूँ, मजा ही आ गया, हम तो बहुत ही अच्छी तरह से जीत गए। देखते हैं बाकी के स्टूडेंट जीत पाएंगे या नहीं। हैं, तो जीत गया रे फ्रैंकलिन। हाँ, मैं जीत तो गया यार, अब मेरे हिसाब से मुझे वो सूट दे दो, वो खतरनाक स्पाइडरमैन वाला था। इतनी आसानी से नहीं मिलेगा बेटा, उसके लिए तुझे अभी और कंपटीशन जीतने होंगे। इसलिए बाकी के बच्चे आ रहे हैं, उन सबके साथ तुझे स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट बनना होगा, तभी जीत पाएगा। अरे गाइस, ये बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ से आ गए, पता नहीं इस स्कूल में कितने भर्ती कर रखे हैं इस डोपलगैंगर ने। तो गाइस, हमें नया टास्क मिला है, ये वाला पहले से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस बार थ्री हेडेड बर्निंग गॉडज़िला को चेक कर हमें पूरी तरह से नीचे जाना है। और गाइस, इस बार सिर्फ एक बर्निंग गॉडज़िला नहीं है, अरे बाप रे, ये दूसरा भी है। अरे गाइस यार, ये तो बहुत ही हार्ड है, पता नहीं हम इसको कर भी पाएंगे पूरा या नहीं। अरे 200 बैंड बजने वाली है, देखो यार इस तरह से हमको नीचे जाना होगा। अरे गाइस, ये तो परेशानी हो जाएगी। गाइस, हमारा पहला बंदा निकल चुका है, अब देखते हैं इसके साथ क्या होगा, क्या ये जीत पाएगा या नहीं। आप लोग कमेंट में बताओ अपना ओपिनियन। मेरे हिसाब से तो ये बहुत बुरी तरह से मरने वाला है, क्योंकि गाइस बर्निंग गॉडज़िला को पार करना इज इम्पॉसिबल। देखो गाइस, अरे बाप रे यार, ये उसके पैर में अटक गया, उस वजह से बेचारा नीचे गिर गया। कितनी बुरी तरह से मरेगा, क्या होगा। अरे बाप रे गाइस, ये तो बच गया यार, लेकिन बेचारा हार गया क्योंकि ये पहली गिर गया है। गाइस, अब दूसरा बंदा जा रहा है, देखते हैं क्या ये जीत पाएगा या नहीं। अरे गाइस, मेरे हिसाब से तो ये सारे के सारे हारेंगे, कहीं मैं भी ना हार जाऊं, क्योंकि अरे गाइस, उसने पार कर लिया बर्निंग गॉडज़िला को। क्या, अरे बेचारा गाइस,
वहाँ से तो गया लेकिन यहाँ गिर गया। बड़ी बेकार किस्मत है। एक मिनट गाइस, ये क्या? अरे नहीं, ये तो हार ही नहीं मान रहा। अरे ये तो बड़ा ही ताकतवर बंदा लगता है गाइस, देख रहे हो कितना हिम्मत वाला है। ये गिरा लेकिन फिर से उठ गया, क्या बात है। मुझे लग रहा है गाइस ये जीतेगा, लेकिन गाइस एक मिनट, अभी तो एक और गॉडज़िला है, इसका क्या होगा? अरे गाइस एक मिनट, मेरे हिसाब से जरूर ये कुछ स्मार्ट प्ले कर रहा है यहाँ पर। अरे गाइस ये तो बड़ा स्मार्ट बंदा है, पीछे गिर के सारी चीजें ध्यान से जा रहा है मेरे हिसाब से। मुझे अरे बाप रे गाइस, ये क्या हुआ? अरे गाइस ये बर्निंग गॉडज़िला को गुस्सा आ गया। अरे नहीं गाइस, बर्निंग गॉडज़िला को गुस्सा आने का क्या हाल होता है, आपने अभी अभी देखा। हमारे हिसाब से हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द बर्निंग गॉडज़िला को गुस्सा दिलाने से पहले निकलना होगा। गाइस हमारा तीसरा स्टूडेंट जा रहा है, अब देखते हैं इसका क्या करता है। अरे भाई ये तो खतरनाक है, ये कैसे जाऊं मैं आगे? अरे मुझे जाना पड़ेगा। आइए लेकिन गाइस अब देखते हैं दूसरा वाला गॉडज़िला को कहीं दोबारा गुस्सा तो नहीं आ जाएगा, अभी पता चल जाएगा। अरे बाप रे क्या हुआ? अरे बेचारा ये भी गिर गया गाइस, बड़ी किस्मत खराब है इसकी। अरे नहीं, इसकी हाल खराब हो गई मेरे हिसाब से। ये वाला बंदा देखते हैं जीतेगा या नहीं, अब देखते हैं ये लास्ट बंदा है, उसके बाद दोस्तों फिर मैं ही हूँ। अरे रे रे गाइस ये तो बड़े स्मार्टली तरीके से आगे जा रहा है, क्या यहाँ पे गिरेगा? अरे बाप रे, तो यहाँ गिरा भी नहीं, ये पहला ऐसा बंदा है दोस्तों जो गिरा ना हो। अब देखते हैं आगे ये बर्निंग गॉडज़िला दूसरे वाले से क्या करेगा। अरे यार वो आने वाला है गाइस, एक मिनट, बर्निंग गॉडज़िला वो रहा, दूसरी साइड हट गया है वो, पता नहीं क्या होगा। अरे बाप रे यार जल्दी, अरे बाप रे गाइस बड़ा ही कठिन मिशन है तो ये देखो। अरे वाह, ये तो सारे के सारे पॉइंट्स को पार करता जा रहा है, मुझे लग रहा है गाइस ये कहीं विनर ना बन जाए, और अगर ये विनर बन गया तो आगे हमारे टास्क और बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें किसी भी तरह से इसको हरा कर ही हमें बेस्ट स्पाइडरमैन का सूट। अरे नहीं गाइस ये जीत गया यार, अब तो दोस्तों मुझे भी जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं हार गया तो उस बंदे को मिल जाएगा वो स्पाइडरमैन का सूट। चलो जल्दी जीत कर उसको हराते हैं। अब देखो गाइस मैं जा रहा हूँ, मैंने हेलमेट भी पहन लिया है, अब बस मैं यहाँ से निकला। अरे यार ये बर्निंग गॉडज़िला डर लगा रहा है मुझे। अरे 1 2 मैं साइड से निकलता हूँ, ये क्या बात है, नहीं गिरना नहीं है फ्रैंकली तो, नहीं नहीं नहीं, अरे बाप रे क्या बात है, बच गया मैं, ए मेरी बाइक, अरे बाप रे शुक्र है पकड़ ली मैंने। चलो गाइस जल्दी चलते हैं। अरे यार मुझे ऐसा लग रहा है गाइस मैं हार जाऊँगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं निकल के रहूँगा, ए आराम से ये क्या बात है। अरे वाह मैं तो निकल गया यहाँ से। अरे अभी तो गाइज और भी मुश्किल है। अरे आराम से ये गाइज मुझे भी जीतना होगा। अरे 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 क्या हो रहा है? अरे अरे बाप रे, अरे बस मैं पहुँचने वाला हूँ, ये क्या बात है, अरे पहुंच गया मैं दोस्तों, मजा ही आ गया। मेरे अभी भी प्रॉब्लम गई नहीं है, क्योंकि अभी एक और मैच होगा उस और मेरे बंदे के बीच, मतलब मेरे और उसके बीच। मैं भी क्या कंफ्यूजिंग में बोल रहा हूँ। hey, तुम दोनों जीत चुके हो, लेकिन स्पाइडरमैन का सूट सिर्फ एक इंसान को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर मैच होगा। मैं इसको हरा देगा, बहुत खतरनाक इंसान है मैं। इस बार तुम इंसान बन के नहीं स्पाइडरमैन बन के लड़ोगे, दोनों के दोनों अपने अपने सूट सेलेक्ट कर लो, लड़ने वाले हो। अरे मुझे वो बेस्ट वाला सूट ही दे दे। बकवास मत कर फ्रैंकलिन, जल्दी सूट सेलेक्ट कर। ठीक है तो मैं ये पहन लेता हूँ गाइस, मैंने नॉर्मल स्पाइडरमैन का सूट पहन लिया, लेकिन इस बंदे को देखो यार कितना खतरनाक सूट पहन कर आया है, ये तो चीटिंग हो गई यार, ये तो मुझे ऐसे ही हरा देगा। चिंता मत कर फ्रैंकलिन, अगर तेरे इरादे सही हो तो तू जीत जाएगा। हाँ ये वाला सूट सही है, चलो गाइस ये वाला सूट रखते हैं इसके पास। अरे यार मेरा पहले वाला सूट सही था, इसको मार देता। पागल है क्या, वो सुपीरियर गॉड सूट था, मैं ऐसे ही हार जाता गाइस। अरे बाप रे, लेकिन अभी भी इसके पास आयरन स्पाइडरमैन का सूट है, ये ले। कहाँ गया यार? अरे अरे दिख जा, अरे ये रहा। अरे बाप रे मां तुझे खत्म कर देगा, स्पाइडरमैन का बेस्ट सूट मेरे पास होगा। अरे मेरे पास होगा, मेरी ऑडियंस चाहती है वो सूट मेरे पास हो, समझा? अरे गाइस ये तो बेचारा ऐसे ही हार गया। अरे बाप रे ये तो चीटिंग है, मैं नहीं पा रहा, ऐसा चीटिंग होती है। अरे बकवास मत कर, चलो गाइस अब टोपल गैंगर के पास चलते हैं और जाकर उससे बोलते हैं हमने हरा दिया अपने मेन कॉम्पिटिटर को। अरे वाह वाह वाह, तूने तो कमाल कर दिया, तो ठीक है आज का विजेता तू हुआ, चले ले सूट। अरे दोस्तों अब हमारे पास स्पाइडरमैन जितने सूट हो जाएंगे? उसके पास 4 सूट है बेवकूफ। अरे यार ये तो गलत बात है, लेकिन गाइस ये देखो हमारे पास कितना खतरनाक सूट आ गया गाइस, ये बर्निंग स्पाइडर गॉड है, कितना ही ज्यादा सही लग रहा है ना। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 5 या पार्ट 6 या पार्ट 7 जितने पार्ट चाहिए कॉमेंट में स्पैम कर दो, और साथ साथ में बाकी के वीडियोज भी देख लो। थैंक यू सो मच।